हेलो हेलो अभी आवाज आ रहा है क्या चलिए oh. <laughs> सॉरी जब भी मैं जिस दिन नहीं पूछता हूँ कि आवाज नहीं आ रहा है उस दिन जो है आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस दिन ये आवाज गड़बड़ होता है क्यों <laughs> चलिए तो अभी मुझे लग रहा है कि आवाज आ रहा होगा सॉरी फॉर दिस तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे फिर से शुरू से शुरू करते हैं शुरू से शुरू करते हैं तो आज करंट अफेयर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जहां पर हम लोग नीति आयोग की रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे गिग इकोनोमी पर दी गई रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे ओशियन कॉन्फ्रेंस कहां पर होने वाली है और हमारे एक बिजनेस टाइकून 93 थ्री ईयर्स की एज में हमारे जो पालोजी मिस्त्री हैं वो हमको छोड़ करके गए उनके ऊपर भी डिटेल में बात करने वाले तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले समझौता एक्सप्रेस की समझौता एक्सप्रेस हमारे और पाकिस्तान के बीच में चल रही एक ऐसी रेलगाड़ी थी जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है लेकिन हमारे आपसी संबंध पाकिस्तान से अच्छे नहीं रहे ट्रेन को बंद कर दिया गया समझौता तो यह हुआ था शिमला समझौता के तहत कि हमारे जो है जो इंडिया के कोचेज हैं वो पाकिस्तान वापस कर देगा लेकिन पाकिस्तान जो है वो कैसा वो उसके मन में हमेशा खोट रहता है और उसने हिंदुस्तान के दस रेलवे के कोच अपने पास रख लीजिए बताइए रेलवे के कोच वापस नहीं कर रहा है तो ये हमारी समझौता के, के, तो को तो के साथ आज हम लोग यहाँ पर पांच बातें जो अब्दुल कलाम ने बोली है वो यहाँ पे फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि आप सबसे अच्छी हैं और अब आप विधाता आपके साथ है और आज तुम्हारा दिन है है ना तो इसी उम्मीद के साथ आज ये क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज गाइज हमारे अंतिम दो दिन बाकी हैं आपका जो टेस्ट बुक पास है वो पांच सौ रुपए का हो रहा है अगर ये आपका खत्म हो गया है तो रिन्यू करो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा महंगा नहीं होगा लेकिन एक जुलाई से वाकई में ये महंगा होने वाला है टेक्स बुक पास ठीक है ना तो दोस्तों याद रखिएगा यहां पर ये टेक्स बुक पास आपको मिल रहा है दो दिनों के लिए सबसे पहले अट्ठारह महीने का तीन सौ निन्यानवे रुपए में कूपन कोड इस्तेमाल करिए पी एसी

तहजीब बोले सर एकदम बढ़िया है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि रणजी का सबसे पहला टाइटल कौन सी टीम ने जीता है रणजी का जो टाइटल है वो सबसे पहले कौन सी टीम ने जीता है तो रणजी का टाइटल जो सबसे पहले जीता है वो मध्य प्रदेश मतलब एमपी ने यहाँ पर जीता हुआ है तो मध्य प्रदेश ने रणजी का सबसे पहला टाइटल जीता अब यहाँ पे आपके सामने आता है यूटे के लिए फुलसेनेटा हमारा दुर्लभ मांसाहारी पौधा है इसको कहाँ पर देखा गया है केरल असम गोवा या उत्तराखंड सर ने पूछा है यूट्रेकेलिया फुलसरेटा हमारा कहां पर देखा गया है तो यहाँ पर जनता बोली है जनता बोली है उत्तराखंड में देखा गया है सही जवाब हो जाएगा चार नंबर दोस्तों तिरन जाती जो पेरिस में वर्ल्ड कप चल रहा था यहाँ पर हमारे स्वर्ण पदक जीता है हमारे जो मिश्रित युगल है उसमें स्वर्ण पदक जीता है ज्योति सुरेश के साथ कौन थे राहुल थे मंगल थे रजत थे या अभिषेक वर्मा ने सोने पे निशाना साधा है जनता क्या बोलना चाहती है तो, तो, दे तो अभिषेक वर्मा, वर्मा, right वर्मा के साथ जो है तिरंदाजी वर्ल्ड कप यहां पर जीता हुआ है चार नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर अलमाटी में जो हमारा अलमाटी में जो हमारा टूर्नामेंट चल रहा था कास्नो मेमोरियल

वहां पर भी स्वर्ण पदक अपना पक्का करें पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ अप्रोच को लागू किया है, है आपको बताना है किसकी मदद से लागू किया जा रहा है कंप्यूटर जो हमारे बैग में लैपटॉप चार्जर है जा, दे दीजिएगा तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा तो एनिमल हस्बेंड्री ने हमारे वन हेल्थ अप्रोच को जो लागू किया है वो बिल मिलान्डा और हमारे सीआईआई की मदद से बोथ वन एंड टू की तरफ टिक करना है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते किसने बहुत अच्छे से बात की थी इसके हमने बात की थी कि अपने जो रिकॉर्ड है ना चार्जिंग लगा अपना जो रिकॉर्ड है उसमें यहां पर हाँ, हाँ, उसमें कुछ सेकंडों के सुधार के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है नाम है सिडनी मैकघलिन तो यहाँ पर जितने लोग सिडनी मैगलिन बोल रहे हैं उनका जवाब सही है ठीक है लगातार मेहनत करते रहे यहां पर एक क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई लेकिन उसके बाद से हमने आ, हमारे जो गवर्नमेंट है उसने कितने मिलियन टन जो है गेहूं विदेशों में भेजा और सबसे ज्यादा बांग्लादेश में भेजा है बताया था ना कल मैंने तो यहाँ पर जनता बोली है सर एट 1.8 मिलियन टन जो है ये गेहूं का हमने निर्यात किया है निर्यात किया मतलब एक्सपोर्ट किया बाहर की तरफ भेजा है हमारे गेहूं उत्पादन में जो नंबर एक का हमारा प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है पंजाब नहीं उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है गेहूं के उत्पादन में दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर एक पर है मध्य प्रदेश दाल के उत्पादन में नंबर एक पर है याद रखिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते वन पॉइंट इज राइट आंसर यहां पर वेंकट रमन कृष्ण एक बोल दे जाते हैं कि मद्रास से संबंधित एक ऐसे व्यक्ति जो भेल मारुति आयोग सेल सबके एक चेयरमैन के तौर पर काम करे हमको छोड़ करके गए है ना नाइनटी प्लस थे सारी जिंदगी में सारी चीजें अचीव कर ली थी लेकिन हमारे लिए एक आदर्श अपने पीछे छोड़ के गए नाम है इनका क्या हाँ चेयरमैन थे वी कृष्ण दोस्तों यहां पर हमने सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में भी हमने देखा चुना गया है सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के रूप में किसको चुना गया है संगीता जी हैं नितिन जी हैं नेहा जी हैं शंकर सिंह है या डीसी तिवारी हैं कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था मेरे को याद नहीं आ रहा है कि हमने वहां पे क्या पढ़ा था सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में सारी जनता पे जवाब दे रही है सही उत्तर होना चाहिए के जो चेयरमैन है वह है राइट आंसर यहाँ पर जितने लोग नितिन गुप्ता बोल रहे हैं जवाब उनका सही अगला क्वेश्चन आपके सामने है ट्रांसिल्वेनिया फिल्म फेस्टिवल के इक्कीसवें संस्करण में सबसे ज्यादा जो है वो उपहार मतलब जो है अवार्ड जीतने वाली बेस्ट अवार्ड जीतने वाली फिल्म कौन सी है डे वन है फैमिली लॉस्ट है 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 नाइट ऑफ ड्रीम्स या एंड टू फ्रो दोस्तों हमारे किसानों की आत्महत्या पर आधारित किसानों की समस्याओं पर आधारित यह फिल्म है जो ट्रांसर फेस्टिवल में दिखाई गई और यहाँ पर हमारे जो बेस्ट फिल्म या सर्वश्रेष्ठ अवार्ड ले गए वो उटामा ले गई है इज राइट आंसर दोस्तों हमारे यहाँ पर जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था वहां पर हमने संजीत कुमार जी को हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था यह भी याद रखना है अगला प्रश्न आपके सामने जो है वो रिवीजन के तौर पे खत्म होता है दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हेडलाइंस की हम लोग गिग इकोनॉमी से लेकर के हमने बोला कि हमारे ओशियन कॉन्फ्रेंस तक हमारे जो है वो आप बोल सकते हैं कि पारुंजी मिस्त्री के निधन से लेकर के हमारे जो है वो ईरान के हमारे मिसाइल लॉन्च तक सब कुछ देखने वाले जरा नजरों को जमा करके और दिल को थाम करके इन हेडलाइंस को देखते हैं और फिर करंट अफेयर्स में आज बहुत सारे हैं। तो है। है, है। है, थोड़े समय के लिए रोजगार मिल जाता है, है ना आप अपने घर की जरूरतों को पूरी कर सकते हो थोड़े समय के लिए डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हो दैट इज गिग इकॉनमी डिटेल में बात करने वाले दोस्तों यहां पर देखेंगे नासा ने ऑस्ट्रेलिया के कोस से अपना एक मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च करके यहां पर एक इतिहास पर पर जो है है वो बना दिया है। तो स्पेस सपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया के पहले कॉमर्शियल हमारे सेटेलाइट को लॉन्च किया किसने हमारे नासा ने अमेरिकन कंपनियां ऑस्ट्रेलिया में जाकर के लॉन्च कर रही है इनकम इंड में हमारे यहां पर हिंदुस्तान नंबर एक पर है नंबर पर है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आई है किसी के पास इतना पैसा है कि वो यहाँ पर नौ मंजिल में कार खड़ी कर रहा है और किसी के पास दो वक्त खाने के लिए पैसा नहीं है तो हिंदुस्तान की जो इनकम इक्वेलिटी है इनइक्वेलिटी है ये सबसे ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है क्या इसके ऊपर भी बात करेंगे

दीपक पुनिया ने सॉरी दीपक पुनिया ने यह जीता हुआ एट्टी सिक्स कैटेगरी में यह हमारा टूर्नामेंट बिस्के किर्गिस्तान में चल रहा है आगे चलते है, अगला हमारे पास क्या आता है ईरान ने हमारे एक रॉकेट को लॉन्च किया है रसिया के बाद सबसे ज्यादा जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है वो ईरान है और ईरान ने हमारा एक रॉकेट लॉन्च किया है जो कि हजरत साहब जी के दामाद के घोड़े के नाम पर रखा गया है नाम बात करेंगे पूरी डिटेल में बात करेंगे तो ईरान ने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया है जिस पर सभी देशों की निगाहें टिकी हुई हैं डिटेल में बात करने वाले इसके ऊपर भी हमारे यूएन कार ने जो है वो पुर्तगाल और केन्या में कंबाइंड चल रही ओपन हमारे जो ओशियन कॉन्फ्रेंस है उसकी शुरुआत की है 27 जून को हमारी जो ओशियन कॉन्फ्रेंस है ये केन्या और पुर्तगाल एक अफ्रीकन कंट्री एक यूरोपियन कंट्री है यहां दोनों पर हुई है लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो लिस्बन में हो गई है कुछ दिनों के बाद इसमें कुछ वार्ताएं केन्या में भी जाएगी तो हमारे ओशियन कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है ये प्रश्न पूछा गया है तो दो देश मिलकर के इसको करा रहे कौन है केन्या और पुर्तगाल है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं वन नेशन वन किडनी में, तो तो में एकीकृत करने के लिए हर जगह बराबर पैसा हो और उसको किस तरीके से हम लोग सब्सिडाइज करें इसके लिए वन नेशन वन डायलिसिस प्रोग्राम की शुरुआत की है हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मडाविया जी ने मनसुख मडाविया जी ने इसकी शुरुआत की है दोस्तों पलोंजी मिस्त्री यहां पर हम इनको बोल सकते बिजनेस टाइकून ये हमारे जो पलांजू ग्रुप है उसके क्या थे अध्यक्ष थे 93 थ्री के एज में इनका निधन हुआ तो यहां पर आप देख सकते हैं पलोंजी मिस्त्री का 93 थ्री के एज में निधन हुआ इनके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे प्रश्न यहां से बनने वाले हैं दोस्तों एम मो बसेस सर्विसेज उड़ीसा ने एक हमारी सर्विस चलाई मो बस सर्विस इसकी जो फैसिलिटीज थी वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लेकर के घर के गलियों गलियों तक ये बसेस पहुंच रही थी इसीलिए यूएन ने इसको बेस्ट पब्लिक सर्विसेस के अवार्ड से सम्मानित किया यूएन ने ब, नेशनल पब्लिक सर्विस अवार्ड किसको दिया है तो उड़ीसा की मो बस सर्विस को दिया गया है याद कर लो एग्जाम में पूछा जाने वाला है तो यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस अवार्ड किसको दिया है तो हमारे उड़ीसा की जो मो बस सर्विसेज है यह दिया गया है इसको आगे बात करेंगे बस सर्विस के ऊपर यहां पे दूसरा था पीजीआई डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट हमारे मिनिस्ट्री e मतलब ऑफ जो पढ़ाई होती है वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सत्ताईस तारीख को पहली बार हमारे क्या हमारे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स हर एक डिस्ट्रिक्ट के लॉन्च किया है ये भी मैं बात करेंगे राजस्थान के किस तरीके से जिले टॉप पे है और नॉर्थ ईस्ट के जिले नीचे जा रहे है। हैं इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे तो आज की करंट अफेयर बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है लेकिन समझौता करने से पहले याद रखना कि तुम्हारा पार्टनर समझौते के लायक है कि नहीं क्योंकि समझौता एक्सप्रेस के दस कोचेस पाकिस्तान ने देने से मना कर दिए तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करते हैं आज यह सीखने का दौर और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकूं लेकिन क्या आप तैयार है सीखने के लिए क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं आर यू रेडी टू लर्न मैं सिखाने की कोशिश कर सकता हूं लेकिन सीखना आपको है तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हमारा यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ये है क्या चीज मुझे नहीं पता है लेकिन एग्जाम में आ गया है ये किसने लॉन्च किया Ministry of and Minerals है मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड मिनरल्स है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है एक साथ सारे बच्चे बोलेंगे <laughs> तो यहां पर जनता बोली है सर अगर यहाँ पे आप सही जवाब टिक करना चाहें तो हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ये सबसे पहले किसके लिए दिया जा रहा है ई e लर्निंग के लिए मतलब जो बच्चे हमारे एकेडमिक्स के हैं वो किस तरीके से इस पेंडेमिक की सिचुएशन में घर पे बैठ करके इंटरनेट से पढ़ाई किए इसके आधार पर ये ग्रेडिंग दी गई ठीक है ना यहाँ पर जो है मैं बोला ई e लर्निंग किस तरीके से हमारे इफेक्टिव ट्रांजिशन हुआ इस दौरान डिजिटल मोड में ये इस पर आधार दिया गया तो यहां पर अगर देखेंगे तो हमारे 70 से 80 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं सॉरी आठ डिस्ट्रिक्ट ऐसे जिन्होंने 70 से 80 परसेंट जो है ये नंबर किए हैं और उसमें जो नंबर एक पर जो है वो कौन है सीकर झुंझुनू जयपुर ये तीनों के तीनों राजस्थान के तो राजस्थान के सीकर झुंझुनू और जयपुर जो है इस पीजीआई जो हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है उसमें नंबर एक पर है ये पहली बार हमारा जो इंडेक्स है ये जारी किया गया जो कि हमारे किसके आधार पर हमारे किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट अपने अपने जो शहर के बच्चे हैं उनको पढ़ाई में मदद कर रहा है इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करा करके वहां पर कम्युनिकेशन जो हमारे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है उसको बेहतर बना करके तो वहां पर पाया गया ये तीन डिस्ट्रिक्ट सीकर झुंझुनू और जयपुर ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको हमारे यहाँ पर लॉन्च किया किसने लॉन्च लॉन्च किया किया हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री उसने किया। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे निचले परफॉर्मेंस पे कौन है तो बेटा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है ये बेटा सबसे निचले पायदान पर है मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी समस्या है जिस तरीके से वहां पर हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशन है या हमारे जो है इंटरनेट की समस्या है जिसकी वजह से उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर हमारी जो एजुकेशन uh, मिनिस्ट्री है वो सबसे लोएस्ट पोजीशन पर रखी और आप ये देखेंगे ये पाक अधिकृत कश्मीर है ये तो रेड जोन में है ही और ये हमारे अरुणाचल प्रदेश और ये हमारा क्या मेघालय मिजोरम का जो एरिया है जो रेड जोन में है तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूं एजुकेशन मिनिस्टर कौन है सारे बच्चे बताएंगे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम टिक करना है आपको यार मैं ही हर चीज पढ़ाऊ जरूरी थोड़ी ना यार बताओ तो धर्मेंद्र प्रधान जी लक्ष्मी जी ने बताया कि सर धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर टिक करिए पर सही जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पे सही है दोस्तों हमारे तो यहाँ पर छह साल से चौदह साल तक के बच्चों को किस संविधान संशोधन के तहत जरूरी और मैंडेट एजुकेशन दी गई कौन सा संविधान संशोधन है यार बोलो यार गला बैठ रहा है तुम लोग बोली नहीं रहो सब शांत बैठे सो रहे हो तुम लोग संविधान संशोधन है, है? है और इसको पूरी तरह से लागू किया था ये 2002-3 में आया था लेकिन लागू किया गया 2010 को, 2010 को इसमें इस अमेंडमेंट हुआ था तो अमेंडमेंट नंबर था यह हमारा एट्टी और इक्कीस ए को जोड़ा गया था तो यहाँ पर छह से दस साल तक के बच्चों को फ्री और मैंडेट एजुकेशन देने की बात कही गई थी क्लियर भाई दोस्तों

दोस्तों हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर और जो फाइनेंशियली वीकर है और साथ ही साथ हमारे जो जाति के आधार पर रिजर्वेशन है ये हमारे आर्टिकल नंबर 46 में पढ़ने को मिलेगा है ना उनको रिजर्वेशन मिले ये आर्टिकल नंबर 46 में आई होप सो सभी लोगों को ये हमारी जानकारी दिमाग में होनी चाहिए नहीं तो नंबर चला जाएगा चले दोस्तों अब हमारे इस एजुकेशन की रिपोर्ट के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ सूचकांक जो हमने इस हफ्ते पढ़े उसके ऊपर बात कर लेते हैं हमारे यहां पर ग्लोबल ग्लोबलिटी लिवली लिवलीविटी में सबसे नंबर एक का शहर जो है वो वियाना बना है इसने पिछले साल के ऑकलैंड न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के शहर को पीछे कर दिया है तो ऑस्ट्रिया की राजधानी ऑन द टॉप फॉर फॉर बेस्ट शहर लिविंग हमारा दिल्ली और मुंबई जो है वो क्रमशः एक और एक नंबर पे है रहने के मामले में जो कि बहुत पीछे है अगर आप बात करेंगे तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को एशिया में पहला स्थान मिला है तो अफोर्डेबल टैलेंट के रूप में केरल नंबर एक पर बना है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो हमारे कंपिटेटिव इंडेक्स में भारत की रैंक पिछले साल से 43 से कितनी 37 पे पहुंच गई है छह स्थान का जंप हमने लगाया है कितने से कंपटीशन इंडेक्स में 43 से 37 नंबर पर पहुंच गए ठीक है ना याद रखिएगा और यहां पे अगर स्विट्जरलैंड जो है डेनमार्क के स्थान पर है और स्विट्जरलैंड नंबर हमारे दो पर है किसमें हमारे कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में स्विट्जरलैंड जो है हमारे दूसरे पे और डेनमार्क नंबर एक पे है, है ना चलिए आगे चलते अगला प्रश्न हमारे सामने लेके आते हैं भारत ने किस देश के साथ युवा और इच्छुक राजनीतिक राजनीतिकों को प्रशिक्षण देने के लिए हमारा एक राष्ट्रमंडल राजनीतिक एकेडमी कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया है है ना यहाँ पर ट्रेन यंग एंड एस्परिंग डिप्लोमेट फॉर बोथ नेशन के लिए प्रोग्राम बनाया गया है नाम है कॉमनवेल्थ हमारे डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम ट्रेन किया जाएगा यहाँ पर नए बच्चों को तो यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं सर यूके होना चाहिए उनका जवाब सही है देखिए यहां पे करेक्ट आंसर ए है ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है तो एक ए इज राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे सही जवाब है ये हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं अरे भाई इधर देखो इधर ही तुम लोग नजरे गड़ा के के बैठे हो ये हमारे देश रक्षा मंत्री हैं जो ब्रिटेन के समकक्ष के साथ बैठ करके बातें कर रहे हैं और ये भी भाई साहब इधर ही देख रहे हैं कैमरे की तरफ देखो चचा, इधर क्या देख रहे हो कैमरे की तरफ देखो तो ये हमारे आ, बोल सकते हैं कि ये हमारे यंग जो लोग हैं आपकी तरीके उनको ट्रेंड करने के लिए टाइप किया गया है हमारे देश के रक्षा मंत्री एस जयशंकर जो की राज्यसभा के मेंबर है उनके साथ ये टाइप किया गया है ठीक है ना दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे भारत और यूके के बीच में जो हमारे बच्चे हैं उनको किस तरीके से ट्रेंड किया जाए उसके लिए हमारे कॉमनवेल्थ हमारे डिप्लोमेट कमेटी बनाने की जो घोषणा की गई मतलब ये हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही लिखा हुआ है तो हमारी कौन सी कॉमनवेल्थ डेवलप डिप्लोमेटिक प्रोग्राम के रूप में ये बनाई जा रही है हमारे यहाँ पर इनका नाम जो बैठी हुई थी लिस्टेस ने नई एकेडमी स्थापना करने की घोषणा की है तो लिस्टेस जो है ये हमारी कौन है ये लिस्टेस है जो आपकी इधर पे बैठी हुई है है ना जिनसे नजर आप लोगों की नीट रही है इनका नाम है लिस्टेस जो कि यूके की हमारी क्या है हमारी विदेश मंत्री है अरे भाई बात चमकी की नहीं एक ने तो कहा सर हमने तो नाम लिख लिया है नाम कॉपी पे लिखना है दिल पे मत लिख लेना लिस्टेस

पहली दलित महिला कौन बनी है राज न, हमारे लंदन के काउंसिल की पहली मेयर कौन बनी है मोहिंदर के मिधा याद रखिएगा ठीक है ना चलिए तो मिधा का कार्यकाल भी यहां पर लिखा हुआ है एक साल के लिए बनी हुई है एग्जाम में एक साल में पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अनर हेम स्पेस सेंटर से किस एजेंसी ने अपने इस पे, जो है कॉमर्शियल रॉकेट को छोड़ा है चाइना ने यूरोप ने नासा ने जक्सा ने क्या होना चाहिए सारी जनता एक ही जवाब दे रही है सारी जनता एक ही जवाब दे रही है कि सर इसका सही उत्तर होना चाहिए हाँ मोहिंदर के मिदा अमर बिल्कुल सही बोल रहे हो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो है नासा तो नासा ने यहाँ पर देखते कहाँ से लॉन्च किया तो नासा ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के हमारे एरहन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया और ये जो है हमारा जो है साढ़े किलोमीटर जो है ऑस्ट्रेलिया के कोच से इसको लॉन्च किया गया है याद रखिएगा यह हमारे एक ऐतिहासिक कदम है नासा का तो थ्री लॉन्चेस आर प्लाड इन सिक्स वीक जून एंड जुलाई बाय नासा ठीक है नासा ने यहां पे जो है छे छह हफ्तों में तीन रॉकेट लॉन्च का प्रोग्राम बनाया हुआ है पूरा का पूरा

है ना ये तीनों लॉन्च में पहला लॉन्च था इसके बाद चार को भी हम आपको पढ़ाएंगे बारह को भी पढ़ाएंगे एक एक और रॉकेट लॉन्च किया है नासा ने ऑस्ट्रेलिया से ठीक है ना तो नासा का हेडक्वार्टर कहां पे वॉशिंगटन में इसकी स्थापना याद कर लो नाइनटीन जुलाई में हुई थी और इसके जो हमारे हेड है उनका नाम है बिल निल्सन क्या नाम है बिल निल्सन लिस्ट्रेस से बाहर आओगे बिल निल्सन का नाम है भाई लिस्ट्रेस लिस्ट्रेस समझ गए कि नहीं चलिए तो याद रखिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते पेरिस में तीजनदाजी वर्ल्ड कप चल रहा था कल हमारी जो है मिक्स्ड टीम ने ज्योति ने और अभिषेक ने गोल्ड पर निशाना साधा था तीरंदाजी में और आज जो हम देख रहे हैं हमारे देश की कौन सी महिला रिकवर टीम है जिन्होंने सिल्वर पर निशाना साधा है हमारा देश है एक कोरिया है चाइना है, जापान है सर बोले आपने तो आउट कर दिया <coughs> तो कल हमने मिक्स्ड पे गोल्ड पे निशाना साधा था मिक्स्ड गोल्ड पर हमने निशाना साधा था ज्योति ने ठोका था और और ज्योति ज्योति के साथ कौन थे थे अभिषेक अभिषेक ने यहाँ पर हमको गोल्ड दिलवाया था और आज जो है महिला रिकवर टीम ने सिल्वर मेडल ठोक दिया है कोई ने ठीक है इंडिया की टीम ने ठीक है ये देखिए ये हमारे अर्चरी मतलब तीरंदाजी करती है पेरिस में गई है और सिल्वर मेडल पा करके मुस्कुरा रहे तो मेडल जब भी मिलता है यार वो हमारे लिए अच्छा है यह तिकड़ी चाइना के ताइपे के हाथों भले हार गई है है ना लेकिन यहां पर दीपिका कुमारी अंकिता भक्त समरजीत कौर ये हमारे महिला रिकवर टीम है जिन्होंने ये हमें सिल्वर मेडल दिलाया है तो जब भी हिंदुस्तान का नाम ऊपर जाता है किसी भी इंसान की वजह से वो हमारे लिए खास हो जाता है तो ऐसे ही दीपिका कुमारी है ना अंकिता भक्त और सिमरनजीत कौर के लिए एक बार ताली बज जाए है ना ताली बजा दो भाई सुबह सुबह ताली बजाने से जानते क्या होता है आपको जो है वो पिंचर्स की वजह से कई सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं तो भैया खुश रहो प्रसन्न रहो और जो लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे पूरा वीडियो देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो दोस्तों कल हमने यहाँ पर ये बात कर ली है हमने यहाँ पर जो पेरिस में वर्ल्ड कप था वहां पे हमने सोने से शुरुआत की पच्चीस जून को और आज हमने सिल्वर मेडल जीता साइक्स्ट रोनाल्डो सिंह ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता दिल्ली में साइकिलिंग हमारा जो टूर्नामेंट था नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर मेडल तो जीते ही हैं यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है और यहाँ पर पावर लिफ्टर्स ने भी यहाँ पर कौन से पदक जीता हुआ है <clears throat> यहाँ पर एक बात आ जाती है जो हमको छोड़ करके गए उनको जरूर याद करते चवलूर कृष्णा कुट्टी चवलूर कृष्णा कुट्टी जिनका निधन हुआ ये हमारे एक लिरिस्ट थे जर्नलिस्ट थे गीतकार पत्रकार मतलब दोनों थे और इनका निधन हुआ यह हमारे किस राज्य से संबंधित है क्या क्या उड़ीसा से 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 है 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 केरला से है या तमिलनाडु होना चाहिए दोस्तों सही उत्तर तो यहां पर ज्योति बोले सर केरल के तो 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 प्रसिद्ध गीतकार और लेखक पत्रकार चवलून कृष्णकुट्टी का 26 जून को केरल में त्रिशूर में निधन हो गया इन्होंने तीन हजार से अधिक गाने लिखे और 200 से अधिक पुस्तकें लिखी मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ी प्रतिभा थे तीन हजार से अधिक भक्ति गीत लिखे हुए हैं और 200 से अधिक जो है पुस्तकें लिखी हुई हैं इन्होंने हास हास साहित्य पुरस्कार से सम्मानित कर किया गया साहित्य जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया ये भी याद रखना है वह दैनिक मलयाला मनोरमा के सहायक संपादक के रूप में भी न, हमारे सेवा सेवानिवृत्त हुए थे तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे जो आज चलबूर कृष्णा कुट्टी हैं जिनका हाल में निधन हुआ ये किसके हमारे संपादक थे तो दैनिक मलयालम मनोरमा के ये संपादक के सहायक संपादक के रूप में रिटायर हुए थे तो ऐसे हमारे इस प्रतिभा के धनी व्यक्ति को हम सभी की तरफ से भाव भरी श्रद्धांजलि और उम्मीद करते हैं इनकी आत्मा अब रेस्ट इन पीस आराम करे और हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दे चलिए आगे चलते हैं और आगे हमारे पास जो लोग अभी हमको छोड़कर गए आर नागास्वामी ये हमारे एक

तर्कस में होनी चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड जो कि हमारे बस सेवा के लिए दिया गया है वो कौन है कौन है जिसकी बस सेवा के लिए उसको प्रेस्टिजियस जो है वो हमारा पब्लिक नेशनल पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया है क्या वो गोवा है तमिलनाडु है उड़ीसा है या वेस्ट बंगाल है सारे बच्चे जवाब देंगे <laughs> तो यहां पर जनता बोल सही उत्तर होना चाहिए बस सर्विसेज, मो बस अब उड़ीसा में इसका मतलब आई होप होता है हमारी बस सर्विस और इसको उड़ीसा के नवीन पटनायक जी ने जब चलाया था तो शायद उन्होंने नहीं सोचा हुआ होगा कि यूएन उनको पुरस्कार देने वाला है मतलब संयुक्त राष्ट्र उनको पुरस्कार देने वाला है लेकिन यहां पर नेशनल पब्लिक सर्विस अवार्ड में उड़ीसा ने यह बाजी मार ली है तो कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट जो कि भुवनेश्वर कटक और पुरी को जोड़ता है है ना भुवनेश्वर कटक और पुरी तीनों बड़े शहर हैं जिसको ये जोड़ रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस बस 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 सर्विस को, बस सर्विस बस सर्विस सर्विस को को मो बेस्ट का अवार्ड दिया गया है दोस्तों इसको 6 नवंबर 2018 को स्मार्ट तकनीक सेवा बेंच और ग्राहकों की संतुष्टि के उपयोग के माध्यम से शहर और इसके भीतरी इलाकों में शहरी परिवहन के लिए चलाया गया था ठीक है याद रखिएगा इसको शहरी परिवहन के लिए चलाया गया था कब 6 मार्च 2018 को स्मार्ट सर्विसेज है यहाँ पर है ना स्मार्ट सर्विसेज है इसके अंदर और इसलिए मो बस सर्विस जो है ये हमारे उड़ीसा कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट जो कि हमारा कहां से हमारे कटक से शुरू होता है भुवनेश्वर और पुरी को कनेक्ट करता है है ना पुरी को कनेक्ट करता है इसको हम लोग मो बस सर्विस बोलते हैं पूरी तरीके से स्मार्ट टेक्नोलॉजी है हमें अंदर की गलियों तक आपको लेकर के जाती है और इसलिए इसको अवार्ड दिया गया है याद रखिएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी 6 नवंबर 2018 में यूएन ने इसको अवार्ड दिया है इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएन ने अवार्ड दिया है इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में सभी को पता होगा ठीक है तो यूएन हमारा उड़ीसा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह हमारे पूर्वी पर स्थित पूर्वी पर स्थित जो है हमारा एक कोस्टल uh, स्टेट uh, है कोस्टल मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ है अच्छा दोस्तों एक बात बताइए जो उड़ीसा का जो क्षेत्र है इसको हम किस नाम से जानते हैं जो कोस्टल एरिया इसको किस नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ के गवर्नर तो हमारे गणेशी लाल है ठीक है यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है नवीन पटनायक जी यहाँ पर कई सालों से मुख्यमंत्री हैं इसका स्थापना दिवस उड़ीसा दिवस जो है एक अप्रैल को मनाया जाता है ये जो कोस्टल एरिया इसको हम लोग क्या बोलते हैं सभी बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे जनता बोली सर पारा द्वीप होना चाहिए पारा दीप होना चाहिए पारादीप होना चाहिए राजा ने यहाँ पर पारादीप बोला है तो भैया पारादीप right पारादीप इज राइट आंसर जितने मालाबार दीप संजीत मालाबार केरल वाला एरिया बोला जाता है मालाबार केरल वाला एरिया बोला जाता है हमारा जो ये वाला जो पश्चिमी तट का ऊपर वाला हिस्सा है बोला जाता है ये वाला जो हिस्सा है ये बेटा हमारा क्या बोला जाता है ये कोरोमंडल बोला जाता है याद रखो एग्जाम में गलत नहीं करना है चलिए आगे चलते अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है यहाँ पर एआई आई इंडेक्स में हमारे हिंदुस्तान का कौन सा एजेंसी जो है ये नंबर एक पर है नाबार्ड है फिक्की है लघु उद्योग भारती है या हमारा नेस्कॉम है सारे बच्चे जवाब देंगे तीन चार बच्चे जो थोड़े से पिछड़ रहे वो भी यहाँ पर जवाब देते चले चलिए तो यहाँ पर जनता ने थोड़ा सा यहाँ पर जनता बोली ऐसा सही जवाब होना चाहिए हमारे चार नंबर की तरफ ज... अगर आप जाएंगे तो जवाब मिलेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नहीं जवाब है लेकिन 12 जुलाई को इसका स्थापना दिवस आ रहा है 12 जुलाई 1982 को हमारी इसकी स्थापना की गई थी सी, हमारे किसके रिकमेंडेशन पर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है हमारे जो है सिवार कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था सीवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन को बनाया गया हमारे देश का गवर्नमेंट बॉडी पूरी तरीके से गवर्नमेंट चलाती है यहाँ पर ये जो अवार्ड है AI एडॉप्टेंट इंडेक्स में इसको नेस्कॉम ने जीता है जो 1988 1988 में बनाया गया था ये ऑर्गेनाइजेशन है ना नाबार्ड के चेयरमैन हमारे चिंतालाल हैं और फिक्की की बात अगर हम लोग करें तो इन सब में सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन सबसे ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिक्की है इसको 1927 में बनाया गया था और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है संजीउ क्या नाम है संजीव मेहता जी संजीव मेहता इज अ डायरेक्टर ऑफ फिक्की याद रखिएगा ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो चलिए आई एस न्यूज के ऊपर हम लोग बात करते हैं नाबार्ड की स्थापना दिवस आने वाला है कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था सबसे पुराना फिक्की है जो उन्नीस से काम कर रहा है संजीव मेहता जी इसके चेयरमैन है अब बात करते हैं हम लोग नेस्कॉम की नेस्कॉम ने आई एडोप्शन इंडेक्स में नंबर एक का पोजीशन भारत की तरफ से पाया हुआ है ठीक है ना तो ये हमारे अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट अर्नेस्ट अर्नेस और कैंपे गमनी के सहयोग से ये हमारा जो है आ, बोल सकते हैं इंडेक्स तैयार किया गया है और हिंदुस्तान ने एआई आई इंडेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने के लिए हमारे जिस कंपनी को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को नंबर एक पे पाया है वो नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज है सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी जिसको नेस्कॉम बोलते हैं उसको ये यहां पर दिया गया है नंबर की की पोजीशन ठीक है स्थापना एक मार्च उन्नीस में हुई थी जैसा कि मैंने आपको बताया इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष का नाम कृष्णम रामाजुनम रामा ठीक है ना तो यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ठीक है तो यह हमें याद रखना है अगला क्वेश्चन है इंडियाज बूमिंग गिंग एड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक की रिपोर्ट किसने तैयार की है इंडियाज बूमिंग गिंग एंड प्लेटफॉर्म बूमिंग का मतलब आगे बढ़ना गिग इकॉनमी क्या होती है तो सही जवाब होना चाहिए। यहां पर सारे के सारे जितने लोग नीति आयोग बोले बिल्कुल सही जवाब है तो सबसे पहले इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। ये नीति आयोग का एक रिप, रिपोर्ट है इस शीर्षक से आई है जिसमें आपको कुछ समय के लिए रोजगार मिलता है, है ना? तो ये हमारे जैसे कि डिलीवरी बॉयज हो गए या हमारे और भी कुछ ऐसे व्यापार होते हैं जिसमें कुछ समय के लिए आपको क्या मिल जाता है मान लीजिए आपकी पढ़ाई अभी नहीं चल रही है और आपके घर की स्थिति सही नहीं है तो आप इन सारे जो है व्यापार में इन्वॉल्व हो जाते हो तो गिग इकॉनमी है क्या चीज गिग इकॉनमी का मतलब यहाँ पर कुछ समय के लिए रोजगार मिलता हो पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में इस प्रकार की नौकरियां बहुत ज्यादा चर्चा में आई इसमें कामगर दिन भर में कुछ घंटे काम करता है और यहां से वो मजबूत बनाता है वो, वो प्रैक्टिस कर रहा था अपने डिफेंस में जाने की लेकिन घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो घर बैठ करके सिर्फ तैयारी करे आपके जैसा सौभाग्य उसके पास नहीं था तो उसने चुना कि मैं अपने सपने को जीना नहीं छोड़ूंगा उसने जो है वो डिलीवरी बॉय की नौकरी के तहत ली तो मतलब कुछ समय के लिए रोजगार लिया तो लेकिन अपनी तैयारी अपने सपने को भी साथ में जीता रहा तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा हमने चर्चा में भी रखा बहुत सारे लोगों ने उसको एडमायर भी किया तो यही गिग इकॉनमी होती है जिसमें आपको थोड़े समय के लिए आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए या आपके घर के बोल सकते हैं कि कारणों की वजह से आपको ये ज्वाइन करना पड़ता है और आपकी इकोनॉमी में भी हेल्प होती है और इंडिया की इकोनॉमी में भी हेल्प हेल्प होती है सात करोड़ नौकियां का जो कंस्ट्रक्शन है ना मैन्युफैक्चरिंग परिवहन लॉजिस्टिक क्षेत्रों में गिग इकोनॉमी के तहत मिली है लेकिन यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है नीति आयोग के हमने देखा कि इस हमारे दो महीने के अंदर हमारे जो वाइस चेयरमैन और सीईओ दोनों परिवर्तित हो गए चेयरमैन तो भैया नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जो भी रहेगा वो चेयरमैन रहेगा तो वाइस चेयरमैन जो है राजीव कुमार जी थे राजीव कुमार जी की जगह पर कौन आ गए संजीव बैरी है ना बैरी पिया आ गए और परमेश्वरन अय्यर जो है ये अमिताभ कांत जी के आ गए एक कौन आ गए अय्यर साहब आ गए तो ये हमारे नीति आयोग के परिवर्तन ने जो आपको याद रखना है गिग इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार लगभग हमारे सेवन पॉइंट सेवन हमारे जो श्रमिक है इसके तहत कार्य कर रहे थे दो हजार बीस इक्कीस में है ना याद रखिएगा जिसमें हमारा एग्रीकल्चर में लगभग दो दशमलव छः परसेंट कार्य कार्य जो गैर एग्रीकल्चर है मतलब नॉन एग्रीकल्चर जो हमारे सेक्टर है वहां पर दो दशमलव छः परसेंट या कुल कार्यबल का वन पॉइंट फाइव परसेंट लोग कार्यरत है इस रिपोर्ट में अगर बोला ये बताया जा रहा है कि दो हजार तीस तक ये जो है दो करोड़ मतलब सतहत्तर लाख से ये जो संख्या है वो दो दशमलव दो दशमलव तीन पांच करोड़ हो जाएगी याद रखिएगा ये रिपोर्ट हमारे नीति आयोग ने बताई है खैर अब ये अच्छी है या बुरी इसका डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट और आपके ऊपर है कि भैया देखिए मेरे हिसाब से तो आप किसी को रोजगार दे रहे हो लेकिन उसके फ्यूचर का कुछ भरोसा नहीं है कि वो आगे सस्टेनेबल लाइफ जी पाएगा कि नहीं तो इस पर थोड़ा चिंता की बात रहेगी अगला प्रश्न आपके सामने विमिडन जो है यहां पर अगर देखें शुरुआत हो गया 27 जून से लेकिन इस देश के खिलाड़ियों को कहा दूर रहना घुस मत जाना ग्राउंड के अंदर कोरिया के हैं रशियन रशियन है, जर्मन है, या और साउथ कोरियन है। सारी जनता बोल रही है <laughs> तो यहां पर जनता बोल रही है यहां पे जनता बोल रही है सही उत्तर होना चाहिए रशियन और बेलारूसियन इनको कहा है चाहे फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो चाहे बिमडन हो चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो अंदर मत आ जाना तो यहां पर ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर विम्बडन बैंड प्लेयर्स फ्रॉम रसिया एंड बेलारूस बस रसिया और बेलारूस के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया है क्योंकि भैया यूक्रेन के ऊपर दो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में जीता फिर फ्रेंच ओपन जीता अब बारी आई थी विम्बडन की यहां पर भी तहलका मचा दिया लेकिन यह बात है दो की साथ ही साथ हमारे जो एसलेबोर्टी थी नंबर एक की पोजिशन पे थी और

86 फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी अंडर 23 एशियन रेसलिंग हमारे टूर्नामेंट मस्कत सत्यबल्डी को हरा करके कहा से पदक किसने जीता है हमारे हिंदुस्तान का मनीष नरवाल है आ, वेदांत माधवन है सरताज सिंह तिवाना है या दीपक पुनिया है टोल तो हमारे टोक्यो ओलंपिक में आ, 2020 का जो 2021 में हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हमारे देश के एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी जिनका नाम है दीपक पुनिया तो टोक्यो ओलंपिक में दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान आ, टो, टोक्यो ओलंपियन दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के विस्किक में चल रहे अंडर 23 हॉकी कुश्ती टूर्नामेंट में मस्कत सत्यवर्डी को हरा करके कांस्य पदक जीता हुआ है मस्कत सत्यवर्डी को हराया और कांस्य पदक जीता है भारत ने इस आयोजन में मतलब ये जो हमारा अंडर 23 एशियन हमारा रेसलिंग टूर्नामेंट था उसमें 25 पदक जीते और जिसमें से दस जो है वो सोने के हैं दस जो है वो टोटल सोने के हैं तो दीपक पुनिया ने यहाँ पर मेडल को को करके इस लिस्ट को और बड़ा कर दिया तो टोटल 25 पदक हिंदुस्तान ने जीते ये टूर्नामेंट कहां पर हो रहा था तो ये हमारे किर्गिस्तान की राजधानी पर हो रहा था किर्गिस्तान की राजधानी हमारे बिस्केक में ये टूर्नामेंट हो रहा था याद रखिएगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मनीष नरवाल और हमारे जो सिंहराज अधाना दिए गए थे ये हमारे पैरासूटर है जिन्होंने यहाँ पर जीता हुआ था आर माधवन के बेटे स्विमिंग करते हैं कोपेनहेगन में हेकेन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था चलिए आगे चलते हैं जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट को लॉन्च करके पूरे दुनिया में तहलका मचाने वाला देश कौन बन गया ठीक है इसका नाम है ईरान है सऊदी अरब है यूएई और पाकिस्तान है जुलजाना जो है यह हमारे हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब जी के दामाद इमाम हुसैन के घोड़े का नाम था जुलझाना और इसी के नाम पर ईरान ने यह लॉन्च किया है अमेरिका ने सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए थे लेकिन अब रशिया उनसे आगे निकल गया है तो ईरान यहाँ पर देश है जिसने ये जुलझाना नामक एक हमारा रॉकेट लॉन्च किया है याद रखिएगा ईरान जिसकी कैपिटल तेहरान है यहां पर अगर देखेंगे तो जुलजाना नाम का ये सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है ये ईरान का झंडा है और ये ऊपर जा रहा है ये जितनी ऊपर जा रहा है हमारे जो खाड़ी के देश हमारे जो अमेरिकन कंट्री है उनकी सांसें टंगती जली जा रही हैं। तो ये जुलजान नाम का सेटेलाइट है जो ईरान ने अपनी धरती से लॉन्च किया है ईरान को अगर आप देखेंगे तो ये हमारे हमारे इराक पाकिस्तान अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ एक कैसा सेंट्रल एशियन कंट्री है दोस्तों यहाँ पर हमारे जो है पर्सियन गल्फ है और यहां पर कैस्पियन सागर है कैस्पियन सागर जो है ये हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक के रूप में जानते हैं लेकिन खारे पानी की है पानी कैसा है खारा है ये ईरान से लगा हुआ है ये देखिए ईरान से तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान से और रशिया से लगा हुआ यह कैस्पियन सागर है ठीक है ना तो ईरान और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूएई है यहां पर यूएई है और यहां पर एक स्टेट है वाटर स्टेट है हम स्टेट के नाम से जानते हैं कई बार मैंने पढ़ाया हुआ है होम्बुर्ज स्टेट ठीक है ना यहीं पर हमारा एक ऑपरेशन चलता है जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प यहां पर हमारे जो ऑपरेशन है संकल्प नेवी चलाती है होमबुर्ज में जिसको हमारा जो नेवी शिप है तलवार

हमारे 220 किलो का है दोस्तों का नाम हमारे जो पैगंबर साहब है, साहब के पोते इमाम हुसैन यह मैंने यहाँ पे दामाद बोल दिया था ये पोते साहब है तो ये हमारे पैगंबर साहब जो है उनके पोते इमाम हुसैन के घोड़े का नाम है तो इसका नाम है जुलजान है जिससे ईरान ने अपने इस रॉकेट का नाम रखा हुआ है समझ रहे हो कि नहीं तो आपको यहाँ पर एक एडिशनल जानकारी भी मिल गई चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे तेहरान यहाँ की कैपिटल है ईरानी रियाल यहाँ की करेंसी है इब्राहिम रियासी यहां के जो है है राष्ट्रपति हैं और फ्री स्टाइल कुश्ती का नाम ठीक है हमारी जो ईरान की टीम है ये हमेशा कबड्डी के हमारे फाइनल में पहुंचती थी और ये हमेशा क्या हो जाती थी ये हार जाती थी किससे इंडिया से इंडिया जो है हमेशा गोल्ड जीतती थी और हमारी जो है ईरान क्या जीतती थी ईरान सिल्वर जीती थी लेकिन ईरान ने कभी अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी और इन्होंने तगड़ा प्रयास किया और जाकर्ता के एशियन हमारे जो गेम्स थे जाकर्ता में जो हुए इंडिया टीम हमारी कॉन्फिडेंस में कि हम जो है हर बार गोल्ड जीतते इस बार भी जीतेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस एक बहुत खतरनाक चीज होती है निशाने पे लग गई तो कमाल है नहीं तो बवाल है ये थी ओवर कॉन्फिडेंस इंडिया की इतने सालों से हारा हुआ ईरान इंडिया को ऐसी पटकनी दिया जिसके हमारे कबड्डी जो 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 इतने खिलाड़ी हैं जिनकी जो है आज भी वो वो पर इंडिया का कब्जा था लेकिन ईरान की यहाँ पर इसीलिए बोलता हूं लगे रहो लगे रहो लगे रहो हार जो है वो तुम्हारी कोई असफलता की पहचान नहीं है हारता वही है जो लड़ता है जिसे लड़ना छोड़ दिया उस दिन तुम सही रूप से असफल हुए लड़ते रहिए बढ़ते रहिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहां पर हम लोग बात करते हैं ओशियन कॉन्फ्रेंस की हमारा जो यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस है उसकी शुरुआत कौन से दो देशों में हुई है स्पेन फ्रांस है केन्या पुर्तगाल है फ्रांस इटली है या केन्या और जर्मनी है सारे बच्चे बताएंगे सारे बच्चे यहां पर जवाब देंगे कॉन्फिडेंस <laughs> जरूरी है उसको ओवर कॉन्फिडेंस मत बदलने दो ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है है तो तो दिक्कत है. तो यहां पर जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए हाँ केन्या और पुर्तगाल केन्या और पुर्तगाल में यह हमारा ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है यहां पर हो रहा है तो बोल सकते हैं कि लाइफ बिलो वाटर इस बार का थीम है लाइफ बिलो वाटर ये देखो मछली है मछली जल की रानी है तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ओशियन डे हमारा 8 जून को सेलिब्रेट होता है 8 जून को ओशियन डे होता है ठीक है ना याद रखिएगा एट ऐसे मनाते हैं ये ऐसे मनाते हैं तो 8 जून को ओशियन डे होता है और थीम था लाइफ बिलो द वॉटर ये इस बार का थीम था है ना तो 27 जून को केन्या और पुर्तगाल की दुनिया भर के 130 से अधिक जो देश है वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं हमारे देश से कौन जा रहा है हमारे देश की तरफ से जो लीड कर रहे हैं वो जितेंद्र सिंह है जितेंद्र सिंह जो है वो लीड कर रहे हैं केन्या और हमारे पुर्तगाल में ये कॉन्फ्रेंस होगा ठीक है ना तो पहले दिन हमारे भाग लेने वाले मंत्रियों के बीच में बाइलेटरल टॉक हुआ है यहाँ पर दोनों के बीच में बाईलेटरल टॉक हुआ है इसकी जो शुरुआत है वो पुर्तगाल की कैपिटल कहाँ से हुई लिस्बन से तो पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन से ये हमारा हुआ है और फिर ये हमारे किसके पास चला जाएगा हमारे अफ्रीकन कंट्री केन्या के पास चला जाएगा तो लिस्बन से इसकी शुरुआत हुई है पुर्तगाल में और फिर ये केन्या में चला जाएगा तो ये दोनों ने मिलकर के कराया हुआ है वन नेशन वन डायलिसिस वन नेशन वन डायलिसिस जो है यह स्कीम की शुरुआत किसने की है सभी बच्चे प्लीज जवाब देते रहेंगे सारे बच्चे यहां पर जवाब दे रहे हैं कि सर सही जवाब होना चाहिए सभी बच्चे बोले सर हमारे देश के हेल्थ मिनिस्ट्री को हेल्थ मिनिस्टर जो है यहां पर होने चाहिए तो बिल्कुल मैं इस बात को सही मानता हूं हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मडाविया जी है ना मनसुख मडाविया जी जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे <coughs> मनसुख मडाविया जी जितने बोल हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे <coughs> तो दोस्तों हमारा यहां पर 9 मार्च को इस बार किडनी डे सेलिब्रेट किया गया 9 मार्च को किडनी डे सेलिब्रेट किया गया और वहां पर एक बात बोली थी हमारे यूएन ने किडनी हेल्थ फॉर ऑल किडनी हेल्थ फॉर ऑल इस बार के किडनी डे का थीम था किडनी हेल्थ फॉर ऑल ये इस बार का थीम था अब ये जो हमारे किडनी में खराबी आती है मतलब वो डायलिसिस करना पड़ता है जो किडनी हमारे आ, करती है वो डायलिसिस के फॉर्म में करती है और जब खराबी हो जाती है तो हमको आर्टिफिशियल डायलिसिस लगाना पड़ता है और इसके लिए बड़ा खर्चा आता है अब ये खर्चा आता है तो इसको सारे देश में इक्वलेट करने के लिए हमारे वन डायलिसिस प्रोग्राम की शुरुआत वन नेशन वन डायलिसिस प्रोग्राम की शुरुआत हमारे देश के फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मडाविया जी ने इसकी शुरुआत की ताकि जो हमारे किडनी में जो 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 होने वाला प्रॉब्लम है खासतौर तो पर डायबिटिक रोगियों को ज्यादा होती है है ना उसके लिए हम एक, एक प्लेटफॉर्म बना सके एक ही सबसे एक तरीके का पैसा लिया जा सके और गरीबों की मदद की जा सके इसलिए जो है ये प्रोग्राम को हमारे लॉन्च करना बहुत जरूरी था इन्होंने ये जानकारी चेन्नई से इस योजना की जानकारी जो है वो शुरू की है जहां पर वो एक वेलनेस सेंटर की शुरुआत करने के लिए गए थे इनोग्रेशन करने के लिए गए थे है ना याद रखिएगा ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हमने आपको किडनी डे और इसके डायलिसिस के बारे में बताया कि ये हमारा शुरू होगा दोस्तों हमारे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है वो आप लोगों से पूछ लेता हूँ किडनी स्टोन आप लोगों ने नाम सुना होगा आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है बहुत लोगों में देखने को मिलता है जो ये किडनी स्टोन होता है ये किसकी वजह से होता है क्या इसमें ऐसा कंपोनेंट या कंपाउंड होता है जो किडनी स्टोन की रूप में जाना जाता है तो यहां पर जनता बोलेगी कि सर किडनी स्टोन का जो कंपाउंड है वो हमारे बॉडी में जब कंजप्शन होती है ऑक्जेलिक एसिड की और वो कैल्सियम के साथ जब मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैल्सियम ऑक्सिलेट कैल्शियम ऑक्सिलेट के नाम से ऑक्सीट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं जो कि हमारा किडनी स्टोन बाद में जा के बनता है

तहजीब यहाँ पर आप देखेंगे कि पलोंजो मिस्त्री जो है इनको पदम विभूषण मिला है और ये हमको छोड़ गए एसएससी वाले यही तो पूछ रहे हैं कि भैया पदम विभूषण किसको मिला जिनकी देहांत हुआ है कब मिला तो यहाँ पर इनको 2016 में पदम भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है विभूषण नहीं है पदम भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है दो में पलोंजी मिस्त्री इंड ऑफ एन एरा नाइनटी की एज में ये दुनिया को छोड़ करके गए पलोंजी मिस्त्री पलोंजी समुदाय के हमारे क्या हैं पलोंजी समुदाय के हमारे अध्यक्ष हैं और बोल सकते हैं कि एसपी समूह टाटा समूह में सबसे बड़ा शेयर धारक है मतलब पलोंजी समूह जो है वो टाटा के सबसे बड़े शेयर होल्डर है 100 अरब डॉलर से अधिक के 80.3% की हिस्सेदारी टाटा में पलोंजी समूह की है तो टाटा के साथ इनकी हिस्सेदारी के चर्चे दूर-दूर तक हमारे फैले हुए हैं है ना एकांत प्रिय व्यापार व्यक्तित्व थे पलोंजी मिस्त्री एक पर 29 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति थी इनके पास 29 बिलियन डॉलर से संपत्ति इनके पास ज्यादा थी दो में हमारे हिंदुस्तान के भारत रत्न पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण सम्मानित हमारे अवार्ड से सम्मानित एक बोल सकते हैं कि बिजनेस टाइकून जिनका कल हुआ निधन और यहाँ पर आप देख सकते ठीक है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइन uh, थ्री की एज में इनका निधन हुआ है तो 2016 में 93 थ्री के एज में इनका निधन हुआ है और 2016 में जो है इनको विभूषण मिला था दोस्तों इस बार के पद्म विभूषण किनको मिले चार लोगों को पद्म विभूषण मिले हुए हैं जिसमें से हम सभी के आ, बोल सकते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी को है मरो प्रांत मिला कल्याण सिंह जो कि हमारे सीएम उत्तर प्रदेश रहे राजस्थान के गवर्नर रहे इनका देहांत के बाद इनको पद्म विभूषण मिला प्रभा अन्य यह हमारे शास्त्रीय गायिका हैं जिनको यहाँ पर पद्म विभूषण मिला राधे श्याम खेमका गीता प्रेस के हमारे बोल सकते हैं कि कर्ता धरता उनको भी यहाँ पर मिला पदम विभूषण तो ये चार लोग हैं जिनको मिला है पदम भूषण भु, भु, की बात करते तो ये सत्रह लोगों को मिला है जिसमें सुंदर पिचई सत्या नडेला सायरस सुचित्रा एला, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सत्रह लोगों को और 107 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है दोस्तों एक बार इनके ऊपर आप जरूर जानकारी लेके जाइएगा नहीं तो एग्जाम में पद्मश्री अवार्ड ही कोई दे देगा और आप वहां पे अटक जाओगे तो एक बार लिस्ट जरूर देख के जाइएगा क्योंकि हमारे सी के एग्जाम में 2021 के पद्मश्री अवार्ड

बिकाई का निधन हो गया एम विजन का निधन हो गया जो कि हमारे एक ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट थे केन तनाका जी का हुआ और प्रफुलकर जी का जो कि हमारे उड़िया के हमारे एक बोल सकते गायक और संगीत निदेशक थे दोस्तों तो तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आपने बहुत कुछ सीखा होगा उम्मीद करते हैं कि मैं देखिए सिखाने की पूरी कोशिश करता हूं है ना पूरी तरीके से आपको यहां पर अपना सर्वस जो है जो भी मेरे पास हो सकता है वो बताने की कोशिश करता हूं उम्मीद करता हूं कि आप भी हमारे साथ सुबहरे 6 बजे उठ करके इस क्लास की शोभा बढ़ाइए और यहां पर बहुत कुछ सीखिए तो इसी उम्मीद के साथ अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का लेकिन अगर आपका एम का एग्जाम है और आप उस MTS के के एग्जाम से पहले एक साल के पूरे करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हो तो आज इस क्वेश्चन के जवाब के साथ आप यहां पर मुझे बताइए सौ से ज्यादा कमेंट होने पर आपकी एक मैराथन क्लास होगी आपके एम के एग्जाम के पहले लेकिन सौ से ज्यादा कमेंट होने चाहिए यहां पर हमारे ईयू मतलब यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्री हैं पृथ्वी फाइट जो है लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अलविदा लेने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग सोच रहे हो ना कि महंगा नहीं होगा ना यही सोच रहे हो टेक्स बुक पास महंगा नहीं होगा तो दोस्तों जिस तरीके से टैक्सेस का बोझ बढ़ रहा है उसी तरीके से हमारे ऊपर भी ये माँ ये जो है पांच सौ रुपए का टेक्स बुक पास हो रहा है एक जुलाई से लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है जब तक इसको हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए हमारे पास पास दिन दिन का का समय है और इस दो दिन में बुक पास हमने 18 महीने का 399 में हमने महीने दे रहे हैं तो आप सभी लोग जिनका कल परसों खत्म होने वाला है एक हफ्ते में खत्म होने वाला रिन्यू करो और कूपन कोड लगाओ ना यार पंकज सर की क्लास अगर देखते हो तो पी एस मेरा नाम पंकज चौबे होता है पी एस सी पंकज चौबे और पी एस एस जैसे ही लगाओगे बेटा ये तीन सौ निन्यानवे का नहीं रुपए का हो जाएगा दोस्तों इससे देखो तुम्हारा फायदा है तुमको कितने का चालीस रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है हमारा भी फायदा है 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 कंप्यूटर जी बोलते कितने लोगों को आपने ये बताया है कि महंगा हो रहा है। उनका फायदा आप कितने लोगों कराया तो दोस्तों याद रखिएगा तो दिनेश बोले सर मैंने आपका बिल्कुल धन्यवाद दिनेश तो ऐसे अपने दोस्तों को भी बताइए और इस क्लास में आइए तो उम्मीद करते हैं कि आज जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो सभी आप लोग यहाँ पर डालेंगे और इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आप सभी लोगों से बेस्ट ऑफ लक बाय बाय गाइस और हमारे इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा जिसका लिंक मैं यहां पर दे रहा हूं ठीक है जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए क्योंकि तो पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा जाओ यार चाय वाय पियो सुबह, सुबह सुबह से तुम लोग यार है? यहां पर जनता को लिंक मिल गया है करंट अफेयर्स की क्लास का लिंक आज हमने नहीं दिया था चलिए तो बाय गाइज टेक केयर थैंक यू होमवर्क आप सभी लोगों को डालना है